हाय फ्रेंड्स, कल जिस जगह पे काम रुका था डिसइंफेक्शन का, जिस वजह से कल काम रुका था कि बकरी का फार्म बनाना था, तो अभी उसका काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। अभी ये टेम्प्रेरी ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। और जो अपने स्पेयर पार्ट में पड़े हुए थे, जो चीज़ें उनका यूज करते हैं, और ये पुआल यही इसके ऊपर रखा जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो भी डिसइंफेक्शन का काम बचा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाए, फिर उसके 5 से 6 दिन बाद चिक्स भी आ जाएंगे, तो उसका भी रोज अपडेट आपको मिलता रहेगा। और थैंक यू आप लोगों के प्यार और स्नेह से, अभी अपने 100 सब्सक्राइबर हुए हैं। लोग तो ऐसे 1000 या 2000 पे खुशी मनाते हैं, लेकिन पढ़ा है कि छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी खुशी मिलती है, तो इसी तरह आप लोगों को स्नेह और प्यार मिलता है। ये जो देसी और खरगोश के लिए जो दूसरा पार्लर बना रहे हैं, इसमें अभी टेम्परेरी ऐसे ही लगाया गया है, इसमें फिर लॉक सिस्टम सब लगेगा। अभी क्या जल्दी जल्दी काम कैसे आगे बढ़े, ये जो चिक्स देख रहे हैं ये जैसे उल्टे पंख वाले, और ये अपना मेल खरगोश है। धीरे धीरे बकरी वाला फार्म का कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो रहा है, दिखाते जाता हूँ। आज का जुगाड़ है, फटाफट कर रहे हैं। सेन जी हैं जो पहरा डाल रहे हैं, ये हमारे सेन जी हैं। इसके ऊपर एक और वो स्विच
डालना ही पड़ेगा, है ना बेटा। आराम से चलना बेटा। जब ने बकरी का कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होते हुए अपने मैनेजर साहब के द्वारा दीवार का काम सेवा। एक काम कीजिए ना, आप भी फटाफट देखते जाइए तो 2 मिनट में ये पूरा इस तरफ का हो जाएगा। मेरे ख्याल से 3 या 4 राउंड में हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 3 ही 4 हो गए। उस दिन वो जब डिसइन्फेक्शन का काम चल रहा था तो जाला था वो, तो मैं भाई को बोला कि जहाँ भी जाला देखे बताना मेरे को, वहाँ का सब साफ कर दिया। कहाँ एक जाला देखा भैया, यहाँ पे जाला है भैया, तो देखा भाई अपना हाथ बोला यहाँ तक हाथ पहुँच रहा है वहाँ तक तो कर ही। अरे आराम से बेटा, कितना और बचा? हो गया। ये देता हूँ तो पूरा बना के ऊपर से देगा भैया।
ऊपर की तरफ से बकरी के फार्म का जो रूप बना है अभी, ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है ये जमीन के ऊपर से है, जिससे कि बकरी में जो पैरों वाला जो प्रॉब्लम होता है, खुर का प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का, वो सबसे बचाव रहते हैं। ये प्लेटफॉर्म टाइप का बन गया ये बांस का। ये नीचे जो भी बीट वगैरह करते हैं तो वो सब नीचे जाता रहता है, जमता रहता है इसी में। आप फिर इसे महीने में सफाई इसकी कराई जाती है, फिर इसको एक गट्टे में डाल करके खाद के लिए तैयार किया जाता है। नहीं दिख रहा आज। बस बकरी के स्ट्रक्चर का काम इतना ही कंप्लीट हो पाया। पूरी जगह जाली लगा हुआ है, ये इसका गेट हो जाएगा जहाँ से अपनी बकरियाँ आएंगी। ये कितना एरिया होगा? 15x20। वैसे ऐसे देखने पे जाली समझ नहीं आती है। नहीं, जाली के पास आता है तो दिखता है।
कल तक पूरा बकरी का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो कल दोपहर शाम से ही डिसइंफेक्शन का काम शुरू हो जाएगा। जितनी मुर्गी हैं सब पिंजरे के अंदर अपने आप चले जाते हैं। पुराने वाले भी स्ट्रक्चर में भी लगभग लगभग सब सूख ही गया है। फ्रेंड कल से डिसइंफेक्शन का काम शुरू होगा, तो फिर वो मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ।